लक्ष्मी को डॉक्टर से टकरा कर मिल गई पारो की डीएनए टेस्ट रिपोर्ट और लक्ष्मी ने एक्सचेंज यानी कि बदल दिया डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब नीलम ऋषि के पास आएगी और ऋषि को कहेगी कि ऋषि क्या करे हो, तभी ऋषि कहेगा कुछ नहीं, बस डीएनए टेस्ट रिपोर्ट के आने का इंतजार कर रहा हूँ। क्योंकि लक्ष्मी बार बार यही कह रही है कि पारो मेरी बेटी नहीं है, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि पारो मेरी ही बेटी है, मेरा ही अंश है। बस डीएनए टेस्ट रिपोर्ट आ जाए और सबको पता चल जाएगा कि पारो और किसी की नहीं बल्कि मेरी और लक्ष्मी की बेटी है। ये ससुन का नीलम को काफी बड़ा शौक लगेगा। यहाँ पर जब डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट ऋषि के घर यानी ओबेरॉय हाउस ना पहुँचे, इसके लिए लक्ष्मी हॉस्पिटल में जाएगी और लक्ष्मी डॉक्टर से टकराएगी जो डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट ले जा रहा होगा। तभी लक्ष्मी डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट उठाते हुए सॉरी कहेगी। यहाँ पर जब लक्ष्मी डॉक्टर की डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट की फाइलें उठाएगी, तभी लक्ष्मी के हाथों में पारो की डीएनए टेस्ट रिपोर्ट आ जाएगी, जिसमें साफ साफ लिखा होगा कि पारोस डीएनए टेस्ट रिपोर्ट मैच विद ऋषि ओबेरॉय, यानी कि पारो की डीएनए टेस्ट रिपोर्ट सक्सेसफुल ऋषि के साथ मैच हो गई है। ये देखकर लक्ष्मी को काफी बड़ा शौक लगेगा और इसीलिए लक्ष्मी अपनी एक फाइल के कागज के साथ डीएनए टेस्ट रिपोर्ट को बदल देगी और पारो की डीएनए टेस्ट रिपोर्ट अपने पास ही रख लेगी और डॉक्टर को सारे कागजात दे देगी। यहाँ पर नीलम ऋषि के घर करिश्मा बुआ के पास होगी और करिश्मा बुआ कहेगी कि अगर सच में कहीं पारो ऋषि की बेटी निकली तो क्या होगा, वो गांव की गवार लड़की हमारे साथ इस घर में रहेगी और गांव की गंवार उसकी माँ लक्ष्मी भी हमारे साथ इस घर में रहेगी जो बरसों पहले हमें यहाँ पर परेशान करके चली गई थी। यह सुनकर तभी नीलम गुस्से से कहेगी कि हम ऐसा होने नहीं देंगे, बस सिर्फ डीएनए टेस्ट रिपोर्ट आ जाने दो, मैं उस लड़की को कैसे भी करके वापस उसके गांव भेज दूंगी। यह सुनकर मन में करिश्मा बुआ काफी ज्यादा खुश हो जाएगी। यहाँ पर जब डिलीवरी बॉय हॉस्पिटल की रिपोर्ट लेकर पहुँचेगा और ऋषि दादी सारे रिपोर्ट का इंतजार कर रहे होंगे और मलिष्का अपने कमरे में होगी, तभी आयुष की वाइफ मलिष्का को बुलाने के लिए मलिष्का के पास आएगी और मलिष्का को कहेगी कि आप यहाँ पर क्या करी हैं, चलिए नीचे चलिए। वो कुरियर बॉय आया है डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट लेकर, कहीं पारो सच में ऋषि और लक्ष्मी की बेटी निकली तो क्या होगा। तभी ऐसुन का मलिष्का को काफी बड़ा झटका लगेगा और मलिष्का मन में घबराती हुई कहेगी कि नहीं नहीं ऐसा मैं नहीं होने दे सकती। ये कहकर मलिष्का तुरंत नीचे जाएगी और नीलम डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट तुरंत लेकर अपने हाथों में देखेगी। तभी डीएनए टेस्ट रिपोर्ट की जगह लक्ष्मी की रखी हुई दूसरी पारो की रिपोर्ट निकलेगी, जिसे देखकर नीलम को काफी बड़ा शौक लगेगा और नीलम कहेगी कि ये कौन सी रिपोर्ट है, ये तो कोई डीएनए टेस्ट रिपोर्ट नहीं है। ये जब ऋषि सुनेगा तभी ऋषि नीलम के हाथ से कागज लेगा, जहाँ पर दूसरा कोई और कागज निकलेगा तभी ऋषि के होश उड़ जाएंगे और तभी करिश्मा बुआ कहेगी कि देख लिया ऋषि, लक्ष्मी ने ही जरूर कुछ किया होगा, वो तुम्हारे सामने सच्चाई नहीं आने देना चाहती कि उसकी बेटी तुम्हारी नहीं बल्कि किसी और की है। वो ये बात लक्ष्मी डीएनए टेस्ट रिपोर्ट में साफ साफ छुपा रही है, जिससे साबित हो रहा है कि लक्ष्मी ने जो कुछ भी तुम्हें कहा वो सच है, पारो कोई तुम्हारी बेटी नहीं है, किसी और की है। कैसुन का तभी मलिष्का कहेगी कि हाँ ऋषि, तुम्हें तो पता ही होगा कि लक्ष्मी जो कुछ भी कहती है सच ही कहती है ना, तो इसीलिए तुम्हें सदमा ना लगे इसीलिए लक्ष्मी ने रिपोर्ट को चेंज कर दिया होगा और पारो कोई ऋषि तुम्हारी बेटी नहीं है बल्कि किसी और की ही है। कैसुन का ऋषि सबकी बातों में आ जाएगा और पारो ऋषि की ही बेटी है, क्या सच्चाई ऋषि के सामने नहीं आ पाएगी? और ऋषि के सामने सच्चाई नहीं आएगी तो इसके बारे में आपकी राय क्या है और आप ऋषि लक्ष्मी पारो पूरे परिवार को एक होते हुए देखना चाहते हैं क्या नहीं, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।